डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की कोटि को डिस्कस करेंगे। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। निर्देशांकों यानी कोऑर्डिनेट्स की वह न्यूनतम संख्या जिसके द्वारा किसी कण की थ्री डायमेंशन यानी त्रिविम में स्थिति को बताया जा सके, उसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। यानी स्वतंत्रता की कोटि को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि अगर हमें त्रिविम में किसी कण की स्थिति को बताना है तो उसकी स्थिति को बताने के लिए कितने निर्देशांकों की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता होगी, वह निर्देशांकों की संख्या उस कण की स्वतंत्रता की कोटि कहलाती है। निर्देशांक यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को हम यहाँ पर काम में लेते हैं। इसको हम और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें तो यूँ कर सकते हैं कि यदि एक कण जो कि एक स्ट्रेट लाइन एक सीधी रेखा में मूव कर रहा है, गति कर रहा है, तो इसकी स्थिति को बताने के लिए जिस एक्सिस पर ये कण गमन कर रहा है उसी एक्सिस की आवश्यकता होगी। तो इसकी स्थिति को बताने के लिए एक स्वतंत्रता की कोटि की ही आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब एक निर्देशांक चाहिए या एक स्वतंत्रता की कोटि चाहिए। यदि कण एक प्लेन एक तल में हो तो इसकी स्थिति को बताने के लिए दो निर्देशांक यानी दो स्वतंत्रता की कोटि की आवश्यकता होती है। ये कण जो तल में है तो तल में तो दो एक्सिस हो सकती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो इसलिए निर्देशांकों की संख्या दो हो गई यानी स्वतंत्रता की कोटि की संख्या दो हो गई। यदि कोई कण त्रिविम में उपस्थित हो तो उस कण की स्थिति को बताने के लिए तीन निर्देशांकों यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीन निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि उस कण की त्रिविम में जो स्वतंत्रता की कोटि की संख्या हो गई वो तीन हो गई। तो इस प्रकार से किसी कण की स्थिति को बताने के लिए जितने निर्देशांकों की आवश्यकता होती है वो उस कण की स्वतंत्रता की कोटि या डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है। एक परमाणु गैस अपन ले, मोनोएटॉमिक गैस, तो एक परमाणु गैस में तीन स्वतंत्रता की कोटि होती है। और यदि हम एक मॉलिक्यूल लें जिसमें n परमाणु, एक अणु में यदि n परमाणु उपस्थित हों तो उस अणु की कुल डिग्री ऑफ फ्रीडम या स्वतंत्रता की कोटि की संख्या 3n होती है, 3n होती है। ये जो स्वतंत्रता की कोटियां हैं ये इनकी विभिन्न गतियों से संबंधित होती हैं। तो ये स्थानांतरण, घूर्णन व कंपन की स्वतंत्रता की कोटि कहलाती है। अणु में उपस्थित परमाणु स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते बल्कि अणु संपूर्ण रूप से स्थानांतरण की गति को प्रदर्शित करता है। अतः संपूर्ण अणु की स्थानांतरण की गति उसके द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास की गति मानी जा सकती है। अणु का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जहाँ अणु का संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित होता है। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति का पता तीन निर्देशांकों द्वारा लगाया जा सकता है। अतः प्रत्येक अणु की स्थानांतरण गति की स्वतंत्रता की कोटि की संख्या तीन होती है। तो स्वतंत्रता की कोटि की संख्या किसके लिए, स्थानांतरण की गति के लिए स्वतंत्रता की कोटि की संख्या का मान कितना होगा, तीन होगा। अब यदि टोटल 3n किसी अणु की स्वतंत्रता की कोटि की संख्या है तो उसमें से तीन स्वतंत्रता की कोटि की संख्या जो है वो किसको प्रदर्शित करती है, स्थानांतरण की गति को प्रदर्शित करती है। तो 3n में से 3 तो स्थानांतरण की गति के लिए हो गई, शेष कितनी बची, शेष बची 3n-3। ये जो स्वतंत्रता की कोटियां हैं ये अणु की इन दो प्रकार की गतियों से संबंधित होती हैं जिन्हें हम घूर्णन की गति और कंपन की गति कहते हैं। तो शेष बची स्वतंत्रता की कोटि की संख्या
घूर्णन व कंपन गतियों से संबंधित होती है। यदि एक द्विपरमाणुक अणु ले या बहुपरमाणुक रेखीय अणु में ले तो हम ये कहेंगे कि उस अणु में घूर्णन की गति दो एक्सिस पर ही होती है। तो अर्थात ऐसे अणुओं में द्विपरमाणुक अणु या रेखीय अणु में जो घूर्णन की गति से संबंधित स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या होगी वो दो होती है। अतः घूर्णन की गति की स्वतंत्रता की कोटियाँ दो होंगी। अब टोटल स्वतंत्रता की कोटि की संख्या थी 3n, उसमें से तीन तो हो गई स्थानांतरण की गति से संबंधित, और यदि रेखीय अणु है तो घूर्णन की गति की हो गई दो स्वतंत्रता की कोटियाँ, तो कितनी बची? 3n में से 3 कम कर दें और फिर उसमें से 2 कम कर दें, तो 3n में से 3 कौन सी कम करी? हमने करी स्थानांतरण की गति की, और 2 यानी ये 2 कौन सी कम कर दी? ये हमने कर दी घूर्णन की गति की, यदि अणु कैसा है? एक रेखीय अणु है। तो कितनी बच गई अब? 3n-3-2 यानी 3n-5। ये जो स्वतंत्रता की कोटियाँ बच गई वो कौन सी गति से संबंधित होगी? ये होगी कंपन की गति से संबंधित होती हैं। यदि मॉलिक्यूल नॉन लीनियर या अरेखीय हो तो अरेखीय अणु में घूर्णन की गति जो है वो 3 अक्षों में हो सकती है। अतः अरेखीय अणु में घूर्णन की गति से संबंधित स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या जो होगी वो 3 होगी। तो अब इस अरेखीय अणु में कंपन की स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या कितनी होगी इसको हम बताएं। तो हम कहेंगे कि एक मॉलिक्यूल में टोटल स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या 3n, उसमें से 3 तो होगी स्थानांतरण की। अब जो बचेंगी उसमें से जो 3n-3, 3 तो होगी स्थानांतरण की, और 3 जो हो गई वो हम कह सकते हैं घूर्णन की गति की हो गई, क्योंकि एक अरेखीय अणु जो है वो 3 अक्षों में घूर्णन कर सकता है। तो अब कितनी बची? 3n-3-3, तो ये बच गई 3n-6। ये जो 3n-6 स्वतंत्रता की कोटियाँ बची वो कौन सी गति से संबंधित होगी? वो होगी कंपन की गति से संबंधित, और इनको हम कहते हैं कंपन की स्वतंत्रता की कोटियाँ। इस फॉर्मूले में 3n में जो कैपिटल N हमने शो कर रखा है वो है अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या है। अब इसी पूरे डिस्कशन को हम संक्षेप में एक चार्ट के रूप में एक्सप्लेन करें। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लें तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मोनो एटॉमिक गैस हीलियम है। ये चूंकि एक परमाणु गैस है तो इसमें परमाणुओं की संख्या यानी N की संख्या 1 हो गई। फॉर्मूले 3N में N की वैल्यू रख दें तो टोटल स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या 3 हो गई। चूँकि एक परमाणुक अणु है तो इसमें घूर्णन नहीं होगा, कंपन नहीं होगा, तो ये जो तीनों स्वतंत्रता की कोटियाँ हैं वो कौन सी गति में चली जाएंगी? स्थानांतरण की गति से संबंधित होगी। तो हीलियम में जो 3 स्वतंत्रता की कोटियाँ होती हैं वो उसकी स्थानांतरण की गति के को प्रदर्शित करने में काम में आती हैं। अब हम सेकेंड मॉलिक्यूल लें वाटर H2O। H2O हम जानते हैं H2O का जो स्ट्रक्चर होता है वो अरेखीय नॉन लीनियर होता है। यहाँ पर टोटल परमाणुओं की संख्या 2 तो हाइड्रोजन हो गए, 1 ऑक्सीजन हो गया, तो टोटल परमाणुओं की संख्या 3। 3n फॉर्मूले में रखें तो 3×3=9, तो टोटल स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या 9 होगी। अब इस 9 में से 3 तो हो गई स्थानांतरण की कोटियों की संख्या। क्योंकि ये अरेखीय अणु है तो हमने कहा है अरेखीय अणु में घूर्णन की गति 3 अक्षों में होती है, तो इसका मतलब 3 जो स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या हो गई वो किससे संबंधित हो गई? घूर्णन की गति से संबंधित हो गई। अब कंपन की कितनी होगी स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या? तो हम 3n-6 के हिसाब से निकाल सकते हैं फार्मूले में, जहाँ n=3 रखेंगे तो 9-6=3, तो H2O में कंपन की स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या जो होगी वो 3 होगी। इसी तरह से CO2 लें, CO2 का मॉलिक्यूल लीनियर रेखीय होता है,
दो ऑक्सीजन और एक कार्बन परमाणु है तो टोटल परमाणुओं की संख्या 3, टोटल स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या 9 हो गई। इसमें से 3 जो हो गई वो स्थानांतरण की गति से संबंधित हो गई। क्योंकि यह एक रेखीय अणु है तो इसका मतलब इसमें जो घूर्णन की गति होगी वो सिर्फ दो एक्सिस पे होती है, तो इसका घूर्णन की गति से संबंधित स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या 2 हो गई। अब कंपन की स्वतंत्रता की कोटियों के लिए हम फार्मूला जो पिछले मैंने इसमें बताया 3n-5 में हम रख दें तो 3n-5 तो 9-5=4, तो कंपन की स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या का मान 4 होगा। अब एक और मॉलिक्यूल C2H2 ले, जो कि उसके भी जो स्ट्रक्चर है उसकी जो आकृति है वो लीनियर होती है, यानी ये C2H2 एक तरह से हो गया एसिटिलीन। टोटल परमाणु 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन 4 हो गए, टोटल स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या 12 हो गई, जिसमें से 3 स्थानांतरण की लीनियर है, 2 घूर्णन की गति से संबंधित और शेष जो बची वो होगी कंपन की गति से संबंधित, कंपन की स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या 7। और इसी तरह से अगर हम बेंजीन लें, बेंजीन में टोटल परमाणुओं की संख्या 12 तो टोटल इसकी स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या 36 हो गई। इस 36 प्रकार की गतियों में से 3 प्रकार की गतियां तो स्थानांतरण की, यानी 3 स्वतंत्रता की कोटियां स्थानांतरण की होंगी, क्योंकि ये जो है वो नॉन लीनियर है तो इसलिए घूर्णन की गति 3 एक्सिस में, तो घूर्णन की स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या 3, शेष बची जो होंगी वो कंपन की गति को प्रदर्शित करती हैं, यानी कंपन की गति के लिए स्वतंत्रता की कोटियां होती हैं। तो इस प्रकार से विभिन्न गतियों को प्रदर्शित करने के लिए उनकी स्वतंत्रता की कोटियों को हम इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं।